आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। योगी के राज्य मंत्री बलदेव सिंह होलक ने आज औपचारिक रूप से रामपुर जिले को ODF घोषित कर दिया है। साथ ही 3 महीने का रिव्यू टाइम भी दिया गया है कि अगर कोई टॉयलेट नहीं बना तो उसे रिव्यू टाइम में बनवाया जाए। पहले ODF की खुशी में गौरव रैली का आयोजन हुआ, उसके बाद कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर राज्य मंत्री ने ये घोषणा कर दी कि सरकारी स्कूलों में भी जल्द इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि रामपुर आगे रहा है, इसके लिए बधाई देता हूं कि पीएम मोदी ने जो भी योजना चलाई है जो जनता के लिए है, किसी नेता और व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। ये पिछली सरकारों में होता था, लेकिन मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास की बात कही है। सभी प्रधान यहाँ पे उसका सही प्रयोग करिए ताकि गांव में दवाओं का छिड़काव हो सके। और जो भी चीजें आपको लगती है 10,000 रुपए आपको प्रति वर्ष आता है और सब सेंटर जितने भी हैं उसके लिए 15,000 रुपए प्रति वर्ष आता है, उसका प्रयोग करते हुए। कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। जितने भी हमारे प्रधान और नेता और जनप्रतिनिधि पंडाल के बाहर हैं, उन सभी से निवेदन है कि कृपया पंडाल में आ जाएं। रामपुर जिला कितने नंबर में ODF हुआ है? देखिए नंबरिंग तो अभी कितने जिले, टोटल कितने जिले? 37 जिले हुए, उसमें रामपुर का भी नाम। आज रामपुर का भी नाम। अच्छा, इसमें 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने में क्या? वो ये टाइम दिया गया है किसी वजह से, किसी कारण बस लिस्ट से छूट गया है या कोई ऐसा व्यक्ति हो, पात्र हो, जो किसी वजह से नहीं आ पाया हो, तो उसके लिए रखा गया है। उसके लिए भी DM साहब ने कहा है कि जो भी सेक्रेटरी प्रधान जो लिस्ट बन के आएगी किसी भी योजना से, उसको भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो पहले वाले दी गई। अभी 3 महीने का जो समय है उसके अंदर मैं कह रहा हूँ, हम तो 15 दिन में ये काम। धन्यवाद।